gente aquí nomás. घास खा रहे हैं आप? क्यों खाना नहीं खाते हैं? हाँ कभी कभी अन्न खाते हैं, विशेष यही सब खाते हैं। तो क्या क्या खा लेते हैं कच्चा सामान में? ये घास खाते हैं, हर तरह का पत्ता खाते हैं, पीपल का, बर का, अमरूद का, कटहल का, इसके बाद में आम का, हर तरह का। और खाना उना नहीं बनाते हैं क्या? खाना में अन्न त्यागे नहीं है, इसको खाते हैं, निरोग रहते हैं। कच्चा खाइए, रोग भगाइए। तो कितना दिन से खा रहे हैं आप ये घास फूस? लगभग 10 साल। 10 साल से? तो आपको प्रॉब्लम नहीं होता घास फूस खाते हैं? ये तो जानमाल को खाना चाहिए। जानमाल को खाता है, प्रकृति में कहने का मतलब जो एक मनुष्य को छोड़ करके बाकी सब कोई कच्चे खाता है। सब टोटल जंगली जानवर सब कहाँ कोई बीमार पड़ता है। कौआ मैना बोगरो सब देखिए कितना फुर फार उड़ता है। किसी को ना डायबिटीज है, ना मधुमेह है, और ना किसी को कोई बीमारी है। कितना ना उसके लिए कोई हॉस्पिटल खुला है, ना कोई दवा खाना है, ना कोई डॉक्टर है। मनुष्य जो क्या हो गया है पता नहीं, यह सब पका पका करके खा रहा है। इसके लिए देखिए माथा का अलग डॉक्टर, पेट का अलग डॉक्टर, हड्डी का अलग डॉक्टर, कान का अलग डॉक्टर, नाक का अलग डॉक्टर, एकदम विभाग विभाग में डॉक्टर बैठा हुआ है। इसलिए कच्चा खाइए, रोग भगाइए, स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए, अच्छा चीज है। नहीं मतलब कच्चा सामान, मतलब पका सामान खाने से तबीयत वबीयत खराब हो जाता है बहुत। पका आग पर जो चढ़ा वो गया, खाइए लेकिन फिर भी कच्चा खाइए। मनुष्य जो है सो कहने मतलब शाकाहारी प्राणी है, खाइए आप भी, स्वस्थ रहिएगा। हमारे गांव से पूछिए सब, किसी को 10 साल से लगभग खा रहे हैं, आज तक बीमार नहीं पड़े हैं, मोटापा करने खत्म हो गया। और बहुतों आदमी को जो जो सलाह लिया उसको भी खिला रहे हैं, सब कोई स्वस्थ है, निरोग है, अच्छा है। हाँ अब हड्डी उड्डी टूट जाए, धक्का उक्का ले, तब दवाई खाना होगा। इस तरह से गैस नहीं, गैस कैसे होगा? इधर से जाएगा सवेरे जो है सो करने मतलब पेट क्लियर और पेट सफा, तो 80 रोग दफा। तो खाइए, निरोग रहिए। शुरू कीजिए।